सारा, मैंने तो कितनी जान लगा दी, ये दाग ही नहीं जाना, दाग क्यों नहीं जाता है? क्या कहूं मेरे दोस्तों, दाग नहीं जाना। क्या करूं, वैनिश लगा दिया, क्या क्या साबुन लगा दिया, ये दाग क्यों नहीं जाना? क्या करूं दोस्तों, अंदर आके देखता हूं। दोस्तों ये दाग, क्या दाग है ये, जो दाग निकलता नहीं है। पर बाहर से कोशिश कर रहा था मैं, देखूं कहीं ऐसा तो नहीं। आप भी सोच रहे होंगे अल्फ्रेड साहब, बाहर से तो रगड़ दिया आपने खूब जबरदस्त ढंग से, कभी वैनिश लगा रहे हो, कभी कुछ लगा रहे हो, अंदर आके तो देखो, शायद हो सकता है कि ये दाग अंदर लगा हो। ट्राई करें सर, ट्राई करूं। अरे एक सेकंड में निकल गया है, तो कमाल हो गया। अरे कमाल है ये, तो कमाल हो गया, ये बिल्कुल साफ, एब्सोल्युटली क्लीन हो गया ये। और ये दाग इस कपड़े में जाके लग गया जो बिल्कुल साफ था। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, कई दफा मेरे जैसे कई लोग बेवकूफ हैं जो बाहर से कोशिश कर रहे हैं साफ करने के लिए, पर वो गाफिल है, उनको मालूम नहीं कि दाग तो अंदर लगा है, दिल पे लगा है दाग मेरे दोस्तों, जीवन के अंदर दाग लगा है। और हम बाहर से विंडो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से रगड़ रहे हैं, बाहर से कोशिश कर रहे हैं, बाहर से बड़े बड़े काम कर रहे हैं, जैसे अच्छे अच्छे कर्म, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, पर दिल तो खुदा के कलाम में लिखा है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कि जो दिल है इंसान का वो है ढोंगी, वो है दुष्ट। इसी दिल से सब प्रकार की बुराइयां निकलती हैं, जैसे ईर्ष्या, कितनी ईर्ष्या करते हैं ना, घमंड, घमंड कितनी खतरनाक चीज है। कोई बोला है नो प्राइड, झूठ बोलता हुआ इंसान। हर एक इंसान में खुदगर्जी, सेल्फ और घमंड, जिसको प्राइड कहते हैं। मेरे अजीजो प्राइड इतनी खतरनाक चीज है कि आपको पता है लूसीफर कौन था? आर्कएंजल, जो खुदा के सिंहासन को कवर करता था, इतना बड़ा औदा खुदावंद ने दिया था, खुदावंद का बनाया हुआ मोस्ट ब्यूटीफुल क्रीचर था वो, घमंड आ गया और घमंड की वजह से स्वर्ग से निकाल दिया गया वो, और उसके साथ और भी दुष्ट दूत उसके साथ नीचे फेंक दिए गए। दोस्तों घमंड, प्राइड है द फॉल, याद रखें, ही लिफ्टेड हिज हार्ट। याद रखें प्राइड भी बड़ी खतरनाक चीज है, दाग, दाग लगे अंदर, दाग। और क्या ईर्ष्या, घमंड जैसे मैंने बताया, और व्यभिचार, कत्ल, और भी संगीन जुर्म मेरे दोस्तों। ये हृदय इतना ढोंगी है, इतना दुष्ट है, किसी की सुनता ही नहीं है, ये नहीं सुनता ये हृदय। पौलुस खुदा के बड़ा अच्छा खादिम था, वो यूं कहता था कि जो चीजें मुझे करनी चाहिए वो नहीं करता मैं, और जो नहीं करनी चाहिए वही मैं करता हूं। क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा नेचर है, ऐसा स्वभाव है, जो बुराई की ओर ज्यादा बजाय अच्छाई की ओर। अब सवाल उठता है मेरे अजीजों कि बाहर से तो हम कोशिश करके रगड़ रहे हैं, शायद अच्छा शैम्पू लगा रहे हैं, शायद धर्म का मलहम लगा रहे हैं, या अच्छा क्रीम लगा रहे हैं, या बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर दोस्तों हमने ये नहीं देखा कि दाग तो भैया अंदर लगा हुआ है, बाहर से अब जितनी मर्जी कोशिश कर लो ये दाग कभी मिटेगा नहीं मेरे दोस्तों। खुदा के कलाम में लिखा है, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूं, रोमियो 3:23 में लिखा है। रोमियो एक पुस्तक है नए नियम में, और उस पुस्तक में पौलुस खुदा का खादिम, और उसने यूं लिखा है कि हर एक ने पाप किया है। खुदा के पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस ने लिखा कि हर एक ने पाप किया, हर एक उसकी महिमा से रहित है, गिरा हुआ है, कोई नेक नहीं, कोई धर्मी नहीं, सब गुनहगार है, सब परमेश्वर के उस महिमा के उस स्टैंडर्ड से सब रहित है या गिरे हुए, ऑल हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। देयर इज नन राइटियस,
नो नॉट वन, कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई दाग ना हो, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर पाप ना हो। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा ने एक दफा एक खुदा के कलाम में लिखा है, एक बड़े अच्छे आयत में, व्हेन गॉड लुक्ड, भजन में लिखा है, गॉड लुक्ड, ही डिड नॉट फाइंड एनीवन हु फियर्ड गॉड एंड वॉक्ड इन हिज वेज। खुदा ने जब इस धरती की ओर निगाहें रखी और देखा कि कोई नहीं है जो खुदा के भय में चल रहा है और खुदा के नियमों को मान रहा है और खुदा के रास्तों पे चल रहा है, उस धार्मिकता के रास्तों पे कोई नहीं चल रहा दोस्तों। क्यों नहीं चल रहा भाई, क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि हमारा जो अंदर का जो हृदय जो जीपीएस है वो गलत रास्ते पे ले जा रहा है हमें, क्योंकि वो बुराई के रास्ते पे ज्यादा हमें अच्छा लगता है बजाय अच्छाई के रास्ते पे। वो चौड़े रास्ते पे, दुनिया के चौड़े रास्ते पे बहुत मजा है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखती है, लुभाने वाली चीजें, परंतु किंतु वो धार्मिकता का जो सकड़ा रास्ता है ना, जिसका गेट हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसको नहीं लेते लोग। क्यों? क्योंकि वहां पे मजा नहीं है, वहां पे एंटरटेनमेंट नहीं है, वहां पे नाच गाना नहीं है, वहां पे ये ऐशो इशरत, ये धन दौलत की ये लुभाने वाली चीजें और सब तरह की अभिलाषाएं नहीं है। इसलिए लोग नहीं चाहते कि उस सकड़े रास्ते पे आए। पर दोस्तों हम तो दाग की बात कर रहे हैं, दाग, ये जो दाग है याद रखें, ये दाग ऐसी खतरनाक चीज है, इस दाग के बदौलत मृत्यु हम पे लागू है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो हमारा हृदय भी उसको ब्लैक हृदय की तरह है, जैसे मैं आपको कह रहा था। पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हृदय साफ कैसे होगा। साफ तभी हुआ जब मैं अंदर आया और मैंने फिर आराम से साफ करा, एक सेकंड में साफ हो गया, एवरीथिंग वॉज क्लीन, एकदम क्लीन हो गया, कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी एकदम। देखिए ये जो कपड़ा है, दाग इस पे आ गया और ये साफ हो गया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं बड़े दिल से, बड़े आजीजी से और बड़े हलीनपन से मैं बताना चाहता हूं कि हमारे गुनाहों का दाग, हमारे गुनाह जैसे इस कपड़े पे आ गए जो इस शीशे पे थे, किसी और पे आ गए, किसी ने वो दाग अपने ऊपर ले लिया। दोस्तों कौन था वो, कौन है वो, कौन है वो? वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? यीशु का मतलब उधार देने वाला, मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ। कहां से भेजा हुआ? स्वर्ग से। क्यों स्वर्ग से? क्योंकि वो खुदा है, वो परमेश्वर है, वो धरती और आकाश का बनाने वाला और सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला वो खुदा, वो परमेश्वर इंसान बन के आया, मुजस्सम हुआ, देहधारी हुआ, मानव चोला पहना। क्यों? क्यों मेरे अजीजो? क्यों? 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 ताकि हमारे गुनाहों का दाग वो अपने ऊपर ले ले, हमारे गुनाहों की पेनल्टी, हमारे गुनाहों की सजा खुद वॉलंटरी अपनी खुद की इच्छा से वो चला गया सलीब पर। उस जमाने में लोग रोमी सरकार का जमाना था, हुकूमत थी, तो कैदियों को, मुजरिम लोगों को बड़ी हौलनाक खतरनाक मौत मिलती थी जिसको सलीब कहते थे। और शहर के बाहर एक पहाड़ी जिसको गोलगथा कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सलीब खुद उठाई और वो वहां चले गए। बड़े बड़े किले उनके हाथों में ठोके गए, सर पे एक बहुत ही बड़े बड़े कांटों का ताज धस दिया गया, उनके दाढ़ी के बाल नोच दिए गए, उनका चेहरा ऐसा बिगाड़ दिया जैसे किसी इंसान का ना हो, उनकी पीठ को छल्ली कर दिया, लहू लुहान कर दिया 39 कोड़ों से। वो ऐसे कोड़े थे जो मांस को खींच के ले जाते थे, हड्डी और लोहों के पीसेस होते थे उन कोड़ों में, और एक हुक होता था जिससे पूरा मांस खींच के ले जाता था। बेरहम थे ये, बेरहम थे ये लोग भाई। हम थे वो गुनहगार, हमें सजा मिलनी थी, हमें नर्क मिलनी थी, हम कंडम थे, हमें दाग लगे हुए थे। खुदा के कलाम में लिखा है, We were full of putrefying sores from the crown of our head to the toes of our feet. हम ऐसे थे जैसे पीक निकलते हुए नासूर थे, ऊपर सर से ऊपर, लेक सर से लेके पैरों तक
दोस्तों ऐसे गंदे लोग, ऐसे कोड़ी लोग जिसके पाप का कोड़ लगा हुआ, उससे बिगड़ा हुआ था हमारा चेहरा, हमारा हृदय बिगड़ा हुआ था, कोई आशा कोई उम्मीद नहीं थी हमारे पास, हम गुनेगार, हम पापी, हम दुष्ट, हम गंदे लोग, हम दागी लोग, पाप के दाग हम पे लगे हुए। ऐसे लोगों से उसने मोहब्बत करी, वो आया मुजस्सम हुआ ताकि हम जैसे गुनेगारों को वो अपना ले, हमारे दागों के साथ उसने हमें अपना लिया और हमारे पापों का दाग, हमारे गुनाह खुद अपने ऊपर ले लिए, अपने सिर पे ले लिए उसने। और वो जो सजा एल्फ्रेड को मिलनी थी और आपको मिलनी थी, उसने सलीब पे सहा, उसने अपना बेश कीमत लहू बहा दिया। दोस्तों बहा दिया, कोई गुनेगार के लिए जान देगा नहीं, किसी नेक इंसान के लिए तो कोई जान दे दे, पर किसी गुनेगार के लिए कोई जान की बाजी लगाएगा नहीं। पर जब हम गुनेगार ही थे, खुदावंद यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा, हमारा उद्धार करता, हमारा प्रभु, अवर लॉर्ड एंड सेवियर, वो कुर्बान हो गया। गॉड डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज लव टुवर्ड अस व्हाइल वी वर येट सिनर्स, क्राइस्ट डाइड फॉर अस। यह है मोहब्बत, यह है प्यार। क्या मैंने बोला कि उसका बेश कीमत लहू हमें सब अधर्म और पाप से साफ करता है? आप लोग अनफिट सब कहां लिखा है, रुकिए मैं अभी बताता हूं आपको। ये देखिए, पहला यूहन्ना, यूहन्ना कौन था, कौन यूहन्ना था? वो यूहन्ना ये था कि वो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से था, सबसे लंबी उम्र थी उसकी, और प्रभु यीशु मसीह के इस चेले ने खुदा की आत्मा की अगुवाई में होकर यूं लिखा है, परमेश्वर यूं कहते हैं। और क्या लिखा है यहां, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 7वां पद, उसमें यह लिखा है, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हिज सन क्लींसेथ अस फ्रॉम ऑल सिन। खुदावंद यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमें सब अधर्म और पाप से उसका पेश कीमत लहू पाक साफ कर देता है। एक और जगह हम पढ़ते हैं पत्रस, पहले पत्रस में, उसमें ये लिखा, सोने चांदी से जो नाशवान चीजें हैं उससे हमारा उद्धार या छुटकारा नहीं हुआ। We are not redeemed by corruptible things like silver and gold, but by the precious blood of the Lord Jesus Christ. पर उसके बेश कीमत लहू से हमारा छुटकारा हुआ। किससे छुटकारा हुआ? पाप की उस मजदूरी से जो अनंत काल की मृत्यु है, जिसको नर्क कहते हैं। और किससे छुटकारा हुआ? उस खतरनाक विलन, खतरनाक खलनायक, और वो जो ओल्ड सर्पेंट है, वो जो ड्रैगन है, वो जो भरकाता है, वो जो एक धाड़ते हुए शेर की तरह इधर उधर घूम रहा है, जिसका नाम शैतान है, सेटन, उसकी गुलामी से वो आपको छुटकारा देना चाहता है। कब तक करोगे उसकी गुलामी, कब तक उसके चुंगल में फंसे रहेंगे, और कब तक पाप की इस मजदूरी को काटते रहोगे? क्या अनंत काल की मृत्यु चाहिए हमें, या अनंत काल का जीवन चाहिए? सोचिए मेरे अजीजों, सोचिए इसके बारे में, सोचिए सोचिए। एक रास्ता है साफ, कोई कर सकता है हमें, कर सकता है वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह। क्यों, कैसे? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऑल अथॉरिटी इज गिवन टू मी। और याद रखें ये भी बोला कि पापों की क्षमा का अधिकार सिर्फ मेरे पास है। दोस्तों मेरे अजीजों, पापों की क्षमा और कोई नहीं दे सकता मैं सवाए प्रभु यीशु मसीह के। क्यों? क्योंकि वो ही है जो गुनहगारों के लिए मारा गया, वो ही है जिसको दफनाया गया और तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों कोई मर के जिया नहीं, सबकी बड़ी अच्छी अच्छी मरने की दास्तान हमारे पास है, कई उनके सब कब्र हमारे पास है, कब्रें हैं उनकी, मौत की कहानी हमारे पास है, इतिहास गवाह पर एक है जो जी उठा, और इतिहास गवाह है, आज की तारीख गवाह है, आज की तारीख जो आप सुन रहे हैं, आज की तारीख गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, मौत और कब्र उसको रोक ना सकी।
उसको रोक ना सके। वो जीवत उद्धार करता है, वो जिंदा खुदा है, वो सच्चा खुदा है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारे उद्धार करता है। और उसकी कुर्बानी, हिज ब्लड अवेल्स फॉर अस, हिज ब्लड, याद रखें बिना खून बहे कोई कफारा नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड देयर इज नो रेमिशन। एक ही है निर्दोष, पाक, पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर इंसान बन के आया, जिसने पाप ना किया, ना जाना, ना उसमें कोई पाप था, वो निर्दोष परमेश्वर का मेमना हमारे लिए कुर्बान हुआ, ताकि अगर आज हम अपने गुनाहों से क्षमा मांगे, इफ वी कन्फेस आवर सिंस, अगर अपने गुनाहों को मान ले, तोबा कर ले, रिपेंट करें, ओ खुदा के कदमों में गिर जाए और बोले खुदा मैं गुनहगार हूं मुझे माफ कर दो। ऐसी एक डाकू था चार्ल्स फेनी, जो खुदा के बड़े अच्छे खादम थे, ग्रेट प्रीचर थे अपने जमाने के। उसको एक खतरनाक एक गुंडे, एक जो एक गैम्बलिंग क्लब चलाता था, एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान, शराबी और एक एक कातिल इंसान, जो पुलिस उसको ढूंढती थी, वो बुलाता है चार्ल्स फेनी को और कहता है पास्टर साहब, प्रीचर साहब बड़ी बड़ी बातें करते हो, खुदा प्यार करता है, खुदा ये करता है, वो करता है, क्षमा करता है, मुझ जैसे आदमी से कोई प्यार करेगा? कहता क्यों, क्या हुआ? कहता मैंने अपनी बीवी को अपने हाथों से मार दिया, नशे में आया मैं और उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया मैंने, वो मर गई। वो क्या मुझ जैसे इंसान के लिए कोई उम्मीद है? चार्ल्स फेनी ने सिर्फ यही बोला, पहला योना पहला अध्याय और सातवां पद, खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमें सब अधर्म और पाप से शुद्ध कर देता है। कहता अच्छा, मैंने अपनी बेटी के मुंह पे गरम प्रेस डाल के उसका मुंह बिगाड़ दिया, क्या मुझको माफ करेगा खुदा? कहता प्रभु यीशु मसीह का लहू सब अधर्म और पाप से तुझे शुद्ध कर देगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मैंने कई नौजवानों की लाइफ ड्रग्स और शराब में बर्बाद कर दी, मैंने बैंक लूटे, मैंने लोगों को मारा है, मैंने पीटा है लोगों को, धोखा दिया है, क्या मुझ जैसे गुनहगार के लिए कोई उम्मीद है, कोई आशा है, क्या खुदा मुझसे प्यार करेगा? उसने कहा चार्ल्स फेनी ने, खुदावंद यीशु मसीह का लहू तुझे सब पाप और धर्म से क्षमा कर देगा। दोस्तों उसने अपनी बड़ी लंबी फिरिस्त लिस्ट अपने गुनाहों की चार्ल्स फेनी के सामने रख दी और चार्ल्स फेनी का सिर्फ यही जवाब था। ये सच्चा कहानी, सच्ची कहानी है दोस्तों, सच्ची कहानी है, कोई मन करित कहानी नहीं है, ये सच्चा वाक्य है। उसने कहा खुदावंद यीशु मसीह का लहू तुझे सब अधर्म और पाप से शुद्ध कर देगा। वो टूट गया दोस्तों, वो खतरनाक गैंगस्टर टूट गया, रोने लग गया, उसके उसके कठोर पत्थर जैसी आंखों में आंसू आ गए, उसका हृदय जो बिल्कुल पत्थर था वो मोम हो गया। उसने कहा खुदा मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मुझ जैसे बदकार गुनहगार, मुझ जैसे गिरे हुए इंसान और कातिल इंसान खुदा फिर भी माफ कर देगा? उसने कहा अगर तू तोबा करेगा और उसके कदमों में आ जाएगा और सच्चे मन से ये दुआ करेगा, ए खुदा मुझ पापी को क्षमा कर दे, खुदा मैंने बहुत गुनाह किए, बहुत पाप किए, मैंने आपके हर एक आज्ञा को तोड़ा है, मैं गुनहगार हूं, मैं अंगीकार करता हूं, आई कन्फेस आई एम अ सिनर, खुदावन मैं विश्वास करता हूं अपने पूरे पूरे मन से कि आप मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन आप जी उठे और जीवित ही स्वर्ग में गए और आप दोबारा आ रहे, प्रभु जी मुझ पापी को माफ कर दो, मुझ पापी को क्षमा कर दो, प्रभु जी आज मैं आपको अपना उद्धार करता, मुक्ति दाता, प्रभु करके ग्रहण करता हूं, क्योंकि आप ही मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और दोबारा आ रहे, प्रभु मुझे माफ कर दो, नरक से बचा लो, मैं आपकी शरण में आता हूं। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धार करता प्रभु के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है सच्चे मन से, उस दिन उस गैंगस्टर की जिंदगी बदल गई, कईयों की जिंदगी बदल गई, मेरी जिंदगी बदल गई, कईयों की जिंदगी बदल गई, आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। दोस्तों दाग लगा हुआ है, मिटाने वाला एक ही है, उसको अंदर आना पड़ेगा। देखो मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूं, कोई मेरी आवाज सुने और मुझे अंदर बुलाए तो मैं आऊंगा, उसके साथ वास करूंगा, संगति करूंगा,
वो जगत का उद्धार करता, वो द लवर ऑफ योर सोल्स, आपकी आत्मा का प्रेमी दिल पे खड़ा है, आपके जीवन के दहलीज पे खड़ा है। खोल दीजिए दरवाजा, क्योंकि उसका लहू ही आपको अंदर से पाक साफ कर सकता है। He can cleanse you and give you new life, एक नई जिंदगी, अपनी शांति, अपनी खुशी आपको देगा। दोस्तों साफ हो जाइए, दाग मिट जाएंगे, गुनाह हट जाएंगे। हट गया, हट गया, हट गया, मेरे हर गुनाह का बोझ हट गया। आप भी गा पाएंगे, रोल्ड अवे, रोल्ड अवे, रोल्ड अवे। दोस्तों आपकी गुनाहों का हर बोझ, हर दाग मिटा देगा, एक अवधि जिंदगी देगा, एक हमेशा की जिंदगी देगा। और याद, एक याद करो, वो उम्मीद, वो आशा, ये हमारी आंखें जब बंद होंगी तो हम अपने खुदावन यीशु मसीह का मुबारक चेहरा देखेंगे। दोस्तों मिटा दीजिए हाथ दाग को, गुनाहों से तौबा कर लो और उसको ग्रहण कर लो। गॉड ब्लेस यू।